टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों की सूरत संवारने का वादा किया था। शुरुआत में यूपी में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तेजी से कार्य भी किया गया, मगर उसके बाद भी प्रदेश के कई शहरों की सड़कों की हालत बद से बदतर है, जबकि कई जगह सड़कें बहुत ही खस्ता हाल है। ऐसी ही एक सड़क हापुड़ में भी है। कई गांव और शहर को जोड़ने वाले हापुड़ में दोमी धनोड़ा गांव मार्ग है, जहां सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जलभराव के कारण यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क में कहां और कितने बड़े गड्ढे हैं। इस मार्ग पर बाइक, कार, रिक्शा आदि सभी तरह के वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरम्मत कब होगी इसे बताने वाला कोई नहीं है। आलम यह है कि यहां पैदल चलने वाला भी दूभर हो चुका है, जबकि आए दिन यहां छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कि प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो, या फिर अधिकारी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के सपने पर पलीता लगा रहे हों। दिक्कत ऐसा जी कई बेरे गड्ढे हो रहे हैं, इसमें कई बेरे हाथ से बोलिए इनसे, विधायक साहब कई, सांसद से भी कई, पर इनके कान पर कुछ नहीं चली। किसान उनसे हूँ मैं, फिर इनके जेई पकड़े, वीडियो वो जो पकड़े, इनके अधिकारी पकड़े, आने वाले पकड़े, कई देते कि आश्वासन देते कि उन्होंने कह जी बनवाएंगे, गड्ढे भरवा देंगे। हमने कहे गड्ढे से हमें इसकी सड़क की पूरी तोड़ी और मरम्मत चाहिए, पूरी मशीन से बना, देखिए तोड़ी बना, तरक्की बढ़िया दे, इससे दिक्कत नहीं हो। यहाँ रोज के एक्सीडेंट होते, गड्ढे में पानी भर जाता, ये खाई थी खाई, इन्होंने भर ली तो पानी तो भरेगा भरेगा सड़क पर। तो आपने जैसे आला अधिकारी से शिकायत करी तो कोई देखने के लिए नहीं आता यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं आया जी, बस यहाँ आकर तो आश्वासन दे देते हैं, वहीं बैठ के, यहाँ कोई नहीं आता। जब इन्हें घेर लेते हैं, जब तक किसानों ने घेरती है जब तक करते हैं ये, फिर उनके बाद कोई जो नहीं चलती इनकी। सड़कों का अब ये हाल हुआ है, जब से हमारा जो ये जो यहाँ पे बना है आपका एक्सप्रे वे यहीं पे, तो उनका तय ये था कि हम इसे सड़क को बना करके देंगे। जो यहाँ पे लोडर चले थे मिट्टियों के और सारे चीज़ों के, जितना भी माल था वहाँ पे कच्चा और पक्का, तो उनसे जैसे हमने पूछा था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम इसे बना कर देंगे। वो भी कंप्लीट हो गया, चालू भी हो गया, लेकिन इस पे अब आपने देखा ही होगा कितना यहाँ पे जो है यातायात में कितनी दुविधा होती है, और यहाँ पे दिन रात जो है दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी पीछे जो है एक दोमी फ्लाई ओवर से पहले ही यहाँ का मुकेश सैनी नाम का लड़का बिल्कुल फ्लाई ओवर से पहले काफ़ी दिन वो झूझा मौत से, और उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पे जो है आवागमन पे रोजाना आए दिन पानी भी भरा रहता है, पानी में लेडीज सवारी, छात्र वगैरह जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस पे गड़बड़ी हो रही है, और सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। माननीय विधायक जो है उन्होंने भी बताया कि मैं योगी जी से मिला, अब पता नहीं मिले या ना मिले। तो इसकी शिकायत जो है मतलब आला अधिकारी से की गई, इस बारे में बात की गई? हाँ, इसकी शिकायत भी की गई है, और लोगों ने जो है डीएम कार्यालय में भी दी है, और वहाँ पे जाके उन्हें अवगत भी कराया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही, 25 तारीख का था आश्वासन, अब 25 देखिए आज जो है 10 तारीख हो गई है, तो आश्वासन ही मिला, आश्वासन के सिवाय सड़क पर कोई काम नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की अपील है कि प्रशासन जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करेगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे करती है, तो वहीं सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं हापुड़ के दोमी धनोरा रोड मार्ग पर, जहां पर जो है आप देख सकते हैं गड्ढों की क्या स्थिति है, यहां पर किस तरह से गड्ढे हैं। आपको बता दें यहां पर आने जाने वाले ग्रामीणों को जो यहां से निकलते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार यहां पर जो है छोटे मोटे हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर अभी तक कोई जू नहीं रेंग रही है। अब देखने वाली बात आखिर यह है कि कब तक इस सड़क को जो है निर्माण किया जाएगा, कब तक इसके गड्ढे भरे जाएंगे और सरकार के दावे आखिर कब पूरे हो पाएंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ नदीम नकवी, टाइम 24 न्यूज, हापुड़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।